Hello and welcome to our 11 days gratitude challenge. I am Dr. Shweta Amit Bhandari. I am a homeopath. I am practicing in Nasik since last 8 years and I am preaching about gratitude since 2018. And I am happy ki bahut sare log connect hote ja rahe and experience kar rahe ki magic of gratitude kitna beautiful hai aur kitna drastically aapke life ko change karta hai. तो हमारे दो चैलेंज ऑलरेडी हो चुके हैं. फर्स्ट वाज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड सेकंड वाज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर. जिसमें कि मैंने आपको दिया था टास्क टू हग अ ट्री, फिर उसके बाद सन गेजिंग का टास्क दिया था. जो सारे एक्सपीरियंसेस आपने हमारे कम्युनिटी पेज पे शेयर किए, जो फोटोग्राफ शेयर किए, दे आर कम्प्लीटली वार्मिंग और एडमायरेबल, ब्यूटिफुल. थैंक यू फॉर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए टास्क टू को. एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों को भी वो एक्सपीरियंस हुआ नेचर का कि हाउ ब्यूटिफुल वी आर सराउंडेड विद दिस ग्रीनरी एंड दिस एयर अराउंड अस. So thank you so much for being the part of challenge 2. Now today is challenge 3, that is gratitude to element that gives you life. What element give you life is food and water. आपको पता है अगर आप गैलेक्सी से अर्थ को देखते हो तो इट सीम्स टू बी अ ब्लू प्लैनेट जस्ट बिकॉज कि हमारा अर्थ कवर्ड है 71% वाटर से. उसमें से भी 97% वाटर सलाइन वाटर है. 2% ऐसा वाटर है जो फ्रेश वाटर है बट वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, जैसे ग्लेशियर्स में, स्नो में, ग्राउंड वाटर में. ओनली 1% ऑफ द वाटर इज यूजेबल. वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम लोग रोज पानी पीते हैं, राइट? तो हम लोग अपने अलग अलग चीजों में, डेली रूटीन में बहुत सारा पानी यूटिलाइज करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, जैसे लैब्स में, ऑटोमोबाइल्स में. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का एक स्विच ऑन भी करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं वाटर टर्बुलेंस से बनी हुई है. सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्रियल कोई भी चीजें यूज करते हो तो वहां पे पानी का यूज हुआ है. आप खाना भी खाते हो तो क्रॉप ग्रो होने के लिए भी पानी का यूज हुआ है. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग वाटर इन योर लाइफ. जैसे आप देखोगे ना, जैसे हमारे जो आजू बाजू सराउंडिंग है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए भी हम कॉन्स्टेंटली वाटर को यूज करते रहते हैं. अभी आप सोचिए, आप सुबह उठ के बहुत सारे, जैसे एक नॉर्मल एक पूरे दिन को आप ऑब्जर्व कीजिए. आप सुबह उठ के यूजुअली क्या करते हो? आप ब्रश करते हो, उसके लिए वाटर नीडेड है. आप चाय पीते हो, उसके लिए वाटर नीडेड है. आप नहाते हो, उसके लिए वाटर नीडेड है. आप कोई एक्सरसाइज करते हो तभी भी आप पानी पीते हो तो उसके लिए भी वाटर नीडेड है. आप सोचिए अगर एक दिन ऐसा हो कि आपको नल खोले और पानी ही नहीं आया तो you will be shaken, you will move out of your family to in search of water. जैसे बहुत सारे हमारे अभी भी इंडिया में लोग करते हैं, they move about 8-8 kilometers चल के जाते हैं just to collect water. अगर आप देखोगे अगर इतना दूर भी जाके कहीं पे एक थोड़ा सा पानी भी मिलता है और अगर आप उसको लेते हो तो वो पानी इतना मडी और ऐसा अजीब सा होगा जिसमें आपको वायरसेस एंड बैक्टीरियाज आपके नेकेड आई से भी दिखेंगे. और यही रीजन है बहुत सारे लोग कॉलेरा जैसे डिसीज से सफर करते हैं. तो आप सोचिए कि अगर जो आप इतना इजीली नल खोल के पानी यूज करते हो बट कई लोग ऐसे भी है जो इस तरीके के पानी यूज करते हैं. सो हाउ मच शुड बी यू ग्रेटफुल फॉर वॉटर यू आर यूज. सो यू आर लकी कि आप नल खोलते हो, आपको फ्रेश यूजेबल और अच्छा पानी मिलता है पीने के लिए. आपको पता है एक रिसर्च की थी यूके में, तो वहां पे एक एवरेजली एक पर्सन दिन भर में 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करता है, ऐसा फाइंड आउट हुआ था. आप सोचिए 150 लीटर्स ऑफ वाटर, बाथिंग के लिए 80 लीटर्स, फिर उसके अलावा शॉवर के लिए 45 लीटर्स, 50 to 100 लीटर्स वॉशिंग मशीन यूज करता है. सिमिलरली डिश वॉशर यूज करता है 12 to 20 लीटर्स. आप फ्लशिंग में यूज करते हैं 12 लीटर्स. तो ऐसा आपका कॉन्स्टेंटली पानी यूज होता है अलग अलग चीजों में. एक यूनिलीवर का एक एड आता था जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक सेक्शन, एक बॉक्स रखा था शॉवर का, ठीक है, जिसमें शॉवर के सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी लगे हुए थे. वो शॉवर का बॉक्स उन्होंने राजस्थान के एक विलेज जहाँ पे पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वहां पे रखा था. तो जब वो बॉक्स रखा था, पहले उसके आजू बाजू से काफी लोग गुजरे बट एक फार्मर रुक के वो बॉक्स को कॉन्स्टेंटली देख रहा था कि ये एग्जैक्टली क्या है. उसने हिम्मत करके उसके अंदर जाने
की कोशिश की। जब वो अंदर गया तभी उसने वहां पे एक नॉब देखा, जब उसने नॉब शुरू किया तो शॉवर में से पानी शुरू हो गया। अभी आप बोलोगे ये तो रोज हम करते हैं, बट हाँ, बट उन लोगों ने तो ऐसी चीजें नहीं देखी थी, उनके लिए ये एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। आपको क्या लगता है जब ऐसा फ्रेश अच्छा वॉटर उसको मिला तो उसने तो बहुत अच्छे से, हम लोग बोलते ना, बात किया होगा, नहाया होगा, बट नहीं, उसने जब ये ऐसा पानी उसको मिला तो उसने वो पानी को पीना शुरू किया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद उसने फ्रेश वाटर को, इतना इजीली अवेलेबल था उनके लिए, उसने जब वो पानी पिया, उसने काफी लोगों को जमा किया, काफी लोग बर्तन लेके आए पानी जमा करने के लिए, पीने के लिए। आपको पता है वो रिसर्च में पता चला कि आधे गांव ने पानी पी लिया था उतने टाइम में जितने टाइम में कि एक सिटी का पर्सन नहाता है, एक सिंगल पर्सन शॉवर लेता है, उतने पानी ने, पानी में आधे गांव का पानी का जो नीड है वो पूरा किया था। आप सोचिए, आप जब शावर लेते हो तभी आप कितना पानी यूज करते हो। आप लकी हो कि आपको कुछ इस तरीके का पानी पीना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब लोग 8-8 किलोमीटर भी चल के जाते हैं ना, उसके बाद उनको कुछ इस तरीके का पानी मिलता है। वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्रेश वाटर, ये सच्चाई है। आप अगर देखोगे कि इंडिया 19% होल्ड करता है जहां पे कि अपने को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे आप लोग लकी हो कि आपको वो सारा पानी अवेलेबल है, बट बहुत सारे प्लेसेस में, इंडिया में अभी भी ऐसे प्लेसेस है जो स्ट्रेसफुली डील कर रहे हैं पानी के साथ। उनको इतनी दूर दूर चल चल के जाना पड़ता है टू जस्ट टू कलेक्ट वाटर। आप सोचिए, अगर इतनी दूर पर्सन जाता है तो कितना पानी कैरी करेगा अपने घर, थोड़ा सा पानी कैरी करता है, और उतने ही पानी में उनको पानी भी पीना है, खाना भी बनाना है, बाकी सारी चीजों के लिए भी पानी यूज करना है। आप सोचिए कि वो कितना कम पानी यूज करते होंगे अपनी लाइफ में। सिमिलरली अगर जाते भी है दूर तो उनको कुछ इस टाइप का पानी मिलता है, नॉट सो क्लीन। जब हमारे घर में हम लोग कॉन्स्टेंटली सोचते हैं ये वाटर प्यूरिफायर लगा है या ये बेस्ट है या इसमें ये सारी चीजें होती है, आप कॉन्स्टेंटली एड देखते हो ना कि जिसमें कौन से अलग अलग एलिमेंट्स आपके वाटर में अगर एड हो जाएगी, अगर आप ये बेस्ट वाटर प्यूरिफायर लगाओगे। आप सोचो, ये लोग वो भी नहीं सोच रहे, ये जस्ट इतना सोच रहे कि उनको बस पानी मिले कहीं से पीने के लिए। सो अगर ऐसी पब्लिक भी रिसाइड करती है इंडिया में, आप सोचिए आप कितने लकी हो कि आप नल खोलते हो और आपको फ्रेश पानी अवेलेबल हो। अभी ये पानी अवेलेबल क्यों नहीं है, जबकि हमारा अर्थ 97% ऑफ वाटर से कवर्ड है, 70% वाटर से कवर्ड है, फिर भी पानी क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि 97% तो सलाइन है, बचा कुचा जो पानी है जो हमारे ग्राउंड्स में, ग्लेशियर्स में है, वो पोल्यूट हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पोल्यूट हो रहा है, हम जो प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल चीजें यूज करते हैं उनकी वजह से पोल्यूट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जो हमारे पोल्यूशन जो गैसेस लिबरेट होते हैं उसकी वजह से, जो वाटर साइकिल है जिसकी वजह से रेन्स आने चाहिए, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत जगह पे तो एसिड रेन आता है, क्योंकि इतना पोल्यूशन एयर में है और वही कन्वर्ट होके रेन फॉर्म में आपके ऊपर आ रहा है, तो कितना ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं वाटर में। तो हमारे पास पीने के लिए फ्रेश अच्छा वाटर है भी नहीं अवेलेबल बहुत सारी प्लेसेस में, और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ये मरीन लाइफ में फर्क पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरीके का पानी पीने मिलता है, बहुत सारे लोग अलग अलग डिसीज से सफर करते हैं, जो मरीन लाइफ है, जो सी लाइफ है वो भी कुछ इस तरीके से सफर करिए, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जर्नी ट्रैवल करनी पड़ती है जस्ट टू कलेक्ट फ्रेश वाटर। अभी आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट अपना टैप बंद कीजिए। उतना भी अगर आप करते हो ना, जब आपको नीड नहीं है तभी आप अपने टैप को बंद कीजिए। अगर आप इतना भी करते हो तो आप बहुत ज्यादा पानी सेव कर देते हो। क्लोज टैप प्रॉपरली या लीकेज जो रहता है ना, अगर आप उतने भी लोग अगर फिक्स करवाए ना, तो 75 लीटर्स ऑफ पानी बच सकता है। आप सोचिए जस्ट ये एक ट्रिक करने के, बाकी तो है ही कि आप शॉवर कम यूज कीजिए, आप जब वाटर सेविंग टॉयलेट फ्लशेस लगाइए, आप जब ब्रश करते हो तभी नल मत शुरू कीजिए। ये तो हमको हमारे केजी में भी सिखाया जाता है किंडरगार्टन में कि आपको टैप ऑफ रखना है, या आप जो क्लोथ्स या यूटेंसिल्स धोते हो तभी आपके नल को बिना वजह से यूज नहीं मत कीजिए। ये सारे तो है, बट कभी भी अगर आपको समझ में आ रहा है, आप अगर सिर्फ टैप बंद करते हो जब आप पानी यूज नहीं कर रहे हो तभी आप 75 लीटर्स ऑफ पानी बचा रहे हो। अभी आप बोलोगे सिर्फ आपके बचाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? यस, एवरी ड्रॉप काउंट्स। अगर आप देखोगे 76 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा पानी का एक्सेस अवेलेबल है, बट 54% इंडिया के लोग अभी भी पानी के स्ट्रेस को झेल रहे हैं।
सो फील लकी, फील ग्रेटफुल कि आपको एक क्लीन यूजेबल वाटर अवेलेबल है पीने के लिए आपके बाकी दिन भर में यूज करने के लिए. अभी आप देखोगे कि अगर आप वाटर को वाटर के लिए ग्रेटफुल फील करते हो तो सिर्फ आप आपको समझा ये इतना आपको अवेलेबल है, यू बिलोंग टू दैट 76 मिलियन पीपल, इसीलिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, ये तो बात है ही. बट अगर जब भी आप वाटर के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, इनडायरेक्टली वो वाटर आपको एक फॉर्म का हीलिंग देने वाला है. एक डॉक्टर इमोट है, जैपनीज पर्सन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वाटर के ऊपर. उन्होंने उसमें से ये पाया था कि वाटर कैन कैरी योर थॉट्स, वाटर मेमोरी कैरी करता है, वाटर हैज मेमोरी और वो आपके थॉट्स को कैरी कर सकता है. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया कि एक पानी का बॉटल लिया, उसके जो ड्रॉप्स थे 100 डिफरेंट स्लाइड्स पे ड्रॉप्स डाले और वो स्लाइड्स 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. वो 100 लोग अलग अलग जगहों पे गए और जब उन्होंने वो स्लाइड शाम को रिटर्न की और माइक्रोस्कोप के नीचे जब वो स्लाइड को देखा, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वाटर का क्रिस्टल का एक फॉर्मेट है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो वो एक बॉन्ड फॉर्म करके एक वाटर क्रिस्टल बनाता है. तो वही बॉन्ड जब माइक्रोस्कोप के नीचे ये 100 स्लाइड का देखा गया तो वो एक जैसा आना चाहिए क्योंकि एक ही बॉटल का पानी था, राइट. बट उन्होंने नोटिस किया कि ये बॉन्ड एक जैसा नहीं था, ये बॉन्ड जो था, ये सॉरी, ये जो क्रिस्टल जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा था, उन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस थे और वो चेंजेस उस पर डिपेंड करते थे कि वो पर्सन कहाँ गया था, वो पर्सन वो स्लाइड को लेके किस सर्कमस्टेंस में गया था, वो पर्सन वो स्लाइड को लेके किस तरीके से उसके आजू बाजू का वो स्लाइड के एटमॉस्फियर था, वर्ड्स किस तरीके के बोले गए, तो वो क्रिस्टल्स में किस तरीके के चेंजेस आए, ये डॉक्टर इमोट ने पाया. तो अगर आप देखोगे डॉक्टर इमोट का बोलना ऐसा है, नोस हिज क्लेम दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज एन इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. कॉन्शियसनेस यानी आपके थॉट्स, आपके इमोशंस का इफेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के ऊपर. वॉटर इज मोर देन सिंपल अ फिजिकल सब्सटेंस. इमोट ने क्लेम किया है कि अगर आप प्रेयर्स या अलग अलग वर्ड्स बोलते हो वॉटर कंटेनर के आजू बाजू, तो इनडायरेक्टली आप वॉटर के क्रिस्टल्स को चेंज करते हो. आप इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी भी 80% वॉटर से बनी हुई है, तो अगर आपके आजू बाजू ऐसा एटमोसफेयर, ऐसे थॉट्स रहे, तो इनडायरेक्टली आप अपनी बॉडी को भी चेंज कर रहे हो. ये देखिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए है, जैसे वॉटर क्रिस्टल ऑफ पल्यूटेड वॉटर कुछ इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप में, वही क्लीन वाटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, क्रिस्टल ऑफ क्लीन वाटर. वही बिफोर प्रेयर्स, जो हम लोग प्रेयर्स चैंटिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट वाटर के ऊपर कितना है ये आप देखिए. बिफोर प्रेयर वो पानी का क्रिस्टल कुछ इस तरीके था, वही पानी आफ्टर प्रेयर उसके क्रिस्टल्स में इतना चेंजेस आया. डॉक्टर रिमोट ने ये देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव जो वातावरण मिलता है पानी को या उसके आजू बाजू, अगर आप कोई वर्ड बोलते हो, अगर आप वो पानी को टेप तक लगाते हो, उनका एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है राइस का. अब वो उन्होंने 3 जार में राइस रखे थे, जैसे फर्स्ट जार के ऊपर कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ था, सेकेंड जार के ऊपर आई हेट यू लिखा था एंड थर्ड जार के ऊपर आई लव यू लिखा था. अभी कोई भी फूड आप देखोगे जब आप ज्यादा टाइम के लिए रखते हो तो वो सड़ते जाता है, खराब होता है, उसमें फंगस लग जाती है. तो ये जो राइस था, जो फर्स्ट जार था जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, वो धीरे धीरे करके खराब हुआ, ठीक है. जो सेकंड जार था जिसके ऊपर आई हेट यू लिखा था, उसका खराब होने का स्पीड थोड़ा ज्यादा फास्ट था. और वही जो थर्ड जार था जिसपे आई लव यू लिखा था, वो उसका जो खराब होने का फेज था वो बहुत दिनों तक ज्यादा फ्रेश रहा, बहुत अच्छा रहा कंपेयर टू ये बाकी 2 जार्स. तो आप इमेजिन कीजिए, राइस तो सेम थी, बस वर्ड्स अलग अलग लिखे गए थे, तो इतना इम्पैक्ट था जस्ट लिखने भर से. तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग चीजों पे, पानी के क्रिस्टल्स पे अलग अलग नाम लिख के देखे, तो उसका क्रिस्टल भी कुछ इस तरीके से चेंज हुआ. जैसे हिटलर लिखने पे क्रिस्टल इतना ज्यादा ब्रेक और डिस्टॉर्ट हो गया, वही मदर टेरेसा लिखने पे वो क्रिस्टल इतना ब्यूटीफुल फॉर्म हो गया. कभी कभी नहीं, हम लोग हमारे खाना जो खाते हैं उसको बोलते हैं कि अरे मैं दही खा लूंगा ना तो मुझे सर्दी हो जाएगी, अरे अगर मैं ये खा लूंगा तो मुझे डायरिया हो जाएगा, अरे ये चीज तो मुझे सूट ही नहीं होती है, अरे मेरे को तो ये चीज की एलर्जी है. तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप वो खाने से पहले ही उस क्रिस्टल्स को इस तरीके से चेंज कर रहे हो. और अगर आप वो क्रिस्टल को इस तरीके से चेंज करते हो, आपकी बॉडी भी 80% वाटर की है, आप अंदर के भी क्रिस्टल्स को उसके लिए इस तरीके से चेंज करते हो, आप वो फूड के क्रिस्टल्स को भी इस तरीके से चेंज करते हो, तो आप इमेजिन कीजिए आप क्यों बीमार नहीं पड़ोगे.
सिमिलरली अगर आप उसके ऊपर लव एंड अप्रिसिएशन का एक लिखते हो इमेज या टेप करते हो तो वो क्रिस्टल कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, वॉटर क्रिस्टल. अगर आप थैंक यू लिखते हो तो इतना ज्यादा डेंस और हीलिंग वो क्रिस्टल कन्वर्ट होता है. अगर आप हैप्पीनेस फील करते हो लिखते हो वो वॉटर बॉटल पे तो उसका क्रिस्टल कुछ इस फॉर्म में चेंज होता है. अभी आप सोचिए अर्थ सरफेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी है, ह्यूमन बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी है, तो आप इस पानी को कितना मैजिकली यूज कर सकते हो अगर ये आपके थॉट्स एंड इमोशंस कैरी करता है. जब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो पानी के लिए तो वो इनडायरेक्टली आपके लिए हीलिंग ही होने वाला है, क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड फील करते हो अंदर से इनडायरेक्टली आप अपने अंदर के 80% वाटर को चेंज करते हो, आप पीने वाले सामने पानी को चेंज करते हो. और सिमिलरली आप वाटर को, ये एक जो टेक्निक आपको अगर समझ में आया है तो आप उसको अलग अलग वे में, हीलिंग वे में यूज कर सकते हो. इसको एक मैजिक पूल समझ के, एक मैजिकल वे से आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको आज एक टास्क देने वाली हूँ जिसमें आपको एक थैंक यू नोट लिखना है आपके वाटर कंटेनर पे, जो भी आप अपने घर में यूज करते हो उसके ऊपर. दो चीजें होगी, जब भी आप पानी पियोगे आपको याद आएगा कि आपको पानी को थैंक यू बोलना है. सेकेंडली आप टेप करोगे तो जैसे राइस बाउल का, राइस जार का जो एक्सपेरिमेंट था वैसे ही कॉन्स्टेंटली आपके पानी के कंटेनर के वाटर में वो इफेक्ट अपने आप से आएगा. ठीक है, तो आप तो थैंक यू लिख सकते हो या तो आप अफर्मेशन लिख सकते हो, तो इनडायरेक्टली आप वो वे में यूज कर रहे हो. दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर वाटर में पावर है, वो मीडियम है कोई भी चीज कैरी करने का, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मूनलाइट को हीलिंग में बहुत पावरफुल माना जाता है. अगर आप क्रिस्टल्स में डील करते हो, क्रिस्टल हीलिंग में मानते हो, या अगर आपने सिंपली जो हम लोग पूर्णिमा मनाते हैं राइट, जिसमें हम लोग दूध रखते हैं छत पे, तो वो लाइट जो मून का रहता है उसको उजागिरी पूर्णिमा में, तो वो दूध का टेस्ट अपने आप से थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो जैसे पूर्णिमा में हम लोग दूध को रखते हैं, सिमिलरली यू कैन प्लेस वाटर, तो वो वाटर मून के रेस को कैप्चर करके खुद में होल्ड करके रखता है. तो वो मून वाटर आप अलग अलग वे से यूज कर सकते हो. आप वो मून वाटर को नहाने के लिए यूज कर सकते हो, पुराने लोग उसको स्किन एलिमेंट्स जैसे सोरियासिस से अलग अलग चीजों को हील करने के लिए यूज कर करते थे. उसको प्रॉस्पेरिटी वाटर भी बोलते हो. बहुत लोग वो पानी से नहाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करते हैं. तो मून वाटर, मून में बहुत ज्यादा पावर है, वो आपकी क्रिस्टल्स को चार्ज करता है. वो आपकी, अगर आप मानते हो कि हीलिंग की जो भी टूल्स रहते हैं ना, यूजुअली हीलर्स उनको मून लाइट में रखते हैं, तो चार्ज देम अगेन, तो आप मून लाइट को वाटर से कैरी कर सकते हो अपनी लाइफ में. सेकेंडली अगर आपने सेकेंड टास्क किया होगा सन गेजिंग का, तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सन में कितनी ज्यादा एनर्जी है. तो आप सोचिए सन में इतनी ज्यादा एनर्जी है और अगर वाटर मीडियम है कैरी करने का, तो जैसे कोई कोई डिप्रेशन के केसेस है, कोई कोई लेजीनेस के केसेस है, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनमें आपको लगता है कि ये बहुत डल है, साउंड नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप वो ही एनर्जी को वाटर के फॉर्म में उसमें चार्ज करके 12 hours, 8 hours सन के अंदर वो पानी को रख के आप यूज कर सकते हो सन की एनर्जी को वाटर के मीडियम थ्रू. फिर उसके बाद आपके बॉडी में 7 chakras है जो अलग अलग कलर्स के हैं. तो आपको अगर लगता है कि आपका कोई भी एक चक्र वीक है, आपको उसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको कोई एलिमेंट्स है आपको उनको ठीक करना है, या तो अगर आप चक्र भी नहीं मानते तो अगर आप कलर थेरेपी को मानते हैं तो कलर के भी अपने अपने एक इम्पॉर्टेंस होते हैं. कुछ कलर आपको फ्रेशनेस लाते हैं, कुछ कलर्स आपको हैप्पी फील करवाते हैं, तो वो सारे कलर्स का भी अगर आप बॉटल में पानी भर के यूज करते हो तो इनडायरेक्टली वो आपके लिए हीलिंग वाटर रहेगा. उसके अलावा आप अपने अलग अलग अफर्मेशन, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टास्क जो था ग्रेटिट्यूड टू लाइफ, जिसमें हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था कि हम लोग आज कहाँ पे है और हम लोगों को विदिन 6 months कहाँ पे पहुंचना है, तो आपने वहां पे कुछ कुछ अफर्मेशन जो लिखे थे, जो आपको टास्क करने हैं, आपको वो गोल अचीव करने हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी अफर्मेशन पानी के ऊपर बोल सकते हो. और आप क्या कर रहे हो, वो मीडियम थ्रू आपके बॉडी में डालो. फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है और आप अगर पानी के जार पे बोलते हो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्टेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अगर आप ये सारी चीजें बोलते हो तो इनडायरेक्टली जब वो पानी आप पीते हो तो वो आप मिक्स कर रहे हो आपके 80% ऑलरेडी पानी में, ठीक है, मतलब आपके बॉडी के पानी में, और इनडायरेक्टली आपको इंटरनली एक कॉन्फिडेंस आएगा. देखो जब भी हम लोग कुछ टास्क करते हैं तो पहले थॉट हमारे ब्रेन में देते हैं, देन इनटू एक्शन. तो जब थॉट आप अपने ब्रेन में देने वाले हो तो तभी ये वाटर का इफेक्ट आपको फील होगा और आपको चेंजेस अपने आप से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देंगे. तो आप डेफिनेटली इस वे में भी पानी को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड टू फूड.
अभी आप सोचिए कि आपने देखा कि पानी में कितनी एनर्जी है, ठीक है, वैसे ही आपका खाना भी 80% पानी है। अगर आप कुकुम्बर, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अगर आप उनको क्रश करोगे ना, जस्ट 20% या 30% विल बी द सॉलिड थिंग और बाकी 70-80% विल बी द जूस पार्ट। तो दैट मीन्स कि आपका फूड भी सारा पानी से बना हुआ है। तो आप इस वे में भी जब भी आप खाने खाते हो, आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो इनडायरेक्टली आप वो भी क्रिस्टल्स चेंज करते हो और अपने आप से वो फूड भी आपके लिए एक मेडिसिन फॉर्म में वर्क करेगा। अभी ग्रेटिट्यूड टू फूड, फूड की अपनी एक जर्नी है। एक सीड सो करने के बाद फार्मर उसके ऊपर बहुत मेहनत करता है, बहुत टाइम लगाता है। वो सीड अलग अलग एनवायरनमेंट को फेस करता है, अलग अलग चीजों को अपनी, जैसे नहीं उसको फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में वो ग्रो होता है। जब वो ग्रो होता है, वो हार्वेस्ट होने के बाद मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद वो अलग अलग लोगों के हाथ के थ्रू होके एक शॉप में आता है जहां से आप उसको बाय करते हो, बराबर। बाय करने के बाद घर ले जाते हो, घर ले जाने के बाद आप उसको कुक करते हो और फिर वो आपके प्लेट में आता है। सो एक टीडियस जर्नी है पूरे फूड का, फ्रॉम सीड टू योर प्लेट। तो आप सोचिए इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, ये सारे एक पर्टिकुलर आपकी जो ये आप आज टेस्ट करके उसको रिलिश कर रहे हो, वो टेस्ट लाने के लिए कितने सारे लोग जुड़े थे, कितने सारी फ्रीक्वेंसीज, कितनी सारी एनर्जी, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो वाइल यू आर ईटिंग फूड, और आप अगर वो टाइम पे मोबाइल देखते हो या वो टाइम पे टीवी देखते हो, तो इनडायरेक्टली आपको पता है अगर किसी को आपको डिसरिस्पेक्ट करना है ना, तो आप उसको निग्लेक्ट कीजिए। तो इट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो उसके हाँ, तो फिर जैसे अगर आप फूड लेते हो, अगर आप देखोगे उसकी अपनी एक जर्नी है जिस थ्रू वो आप तक आता है, तो सिमिलरली फूड के अपने अपने यूजेस है। अगर आप फूड टाइम से नहीं लेते हो या बहुत टाइम तक नहीं लेते हो, तो अलग अलग इफेक्ट आएंगे, जैसे फटीग आता है, हेयर लॉस, एनीमिया, ड्राइनेस ऑफ स्किन और बोन लॉस या अलग अलग चीजें, इंस्टेंटली डेथ। बहुत सारे लोगों को, जब जैसे हम बोलते हैं आपको जितना फूड इजीली अवेलेबल है, उतना बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनको ये सारा फूड इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग गार्बेज से फूड उठा के खाते हैं, तो कुछ लोग एक ही स्टेपल डाइट पूरी लाइफ फॉलो करते हैं क्योंकि उनको आपके जैसे बहुत सारे वेरिएशन या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर गेटिंग। बहुत हम लोग जब होटल भी जाते हैं ना, तो हम लोग एक एम्बियंस के लिए वेट करते हैं कि हमको ये एम्बियंस जब मिलेगा ना, तभी हम लोग उसको रेटिंग देते हैं कि यहाँ का फूड अच्छा था। बट आप सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बीच गार्बेज में बैठ के खाना खा रहे हैं या बीच साइड ऑफ गटर पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आप सोचिए आप कितने लकी हो कि आपको ऐसा एम्बियंस, ऐसा फूड मिल रहा है टू रिलिश टू ईट। एक प्लेस है हताई करके अफ्रीका में, वहां के लोग कुछ इस तरीके का खाना खाते हैं। आप सोचिए वहां पे ना ग्रीनरी है ना पानी है, वहां के लोग सैंड को मिक्स करते हैं और उनके जैसे हम लोग पापड़ कैसे बनाते हैं धूप में सेक के, तो वैसे ये लोग वो सैंड की रोटी बना के उनको सुखा के और फिर वो लोग वो खाते हैं। आप सोचिए वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यू आर सो लकी कि आपको इतनी सारी चीजें इतनी ईजीली इतनी अच्छी वे से मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी है, आप आज ये खाना खा रहे हो और वो लोग कहीं पे ये खाना खा रहे हो। आप सोचिए आप कितने लकी हो और आपने कितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करना चाहिए आपके फूड के। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ईट फूड बी ग्रेटफुल। कभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डू गो एंड डोनेट फूड। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर योर फूड यू कैन गिव। एक बहुत फेमस डाइटिशियन का कोट है, In all the food I see, the entire universe supporting my existence. Be grateful with every bite of your food. Always stay healthy. जब उन्होंने experience किया था throughout their life, dietitian को लोग अलग अलग questions पूछते हैं कि ये diet खाने से ये ऐसा होगा क्या, ये diet खाने से मैं ठीक होगा क्या, ये diet खाने से ये बीमारी पे control आएगा क्या। तो जब वो dietitian ने throughout उसकी practice of 70-80 years उसने experience किया कि rather than changing different diets, rather than doing ना मेहनत की ये choose करे इतने calories ये percentage ऐसा, उससे ज्यादा अगर आप हर एक बाइट के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी जर्नी से सिर्फ आपके लिए मिलके सारे जो हम बोलते हैं ना कोइंसिडेंस से वो आपके प्लेट में आया है। इन ऑल द फूड आई सी द एंटायर यूनिवर्स सपोर्टिंग माई एग्जिस्टेंस। आपको एग्जिस्ट करने के लिए, आपको लाइफ देने के लिए वो आपके प्लेट तक अगर आया है, तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी बाइट ऑफ योर फूड। ऑलवेज स्टे हेल्दी। दैट विल बी द बेस्ट मेडिसिन यू कैन टेक फॉर योर सेल्फ।
So this was our challenge 3 for food and water. In this challenge today, आप कुछ टास्क करने हैं, जैसे आपको मैंने आपको बोला कि आपको आपके वाटर कंटेनर जो भी है घर में उसके ऊपर एक थैंक यू नोट स्टिक करना है और उसका फोटो निकाल के उसको ग्रुप में पोस्ट करना है. दूसरा, आपको एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड उस पर्सन के लिए जो आपके घर में कॉन्स्टेंटली आपके लिए खाना बना रहा है, क्योंकि आज तक आपने जो इग्नोरेंस जो डिसरिस्पेक्ट उसके लिए किया है, दिस विल बी अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन. आप एक तो उनके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ गिफ्ट भी ले जा सकते हो ताकि उनको एक फीलिंग आए कि आपको सच में अंदर से उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है. सो दिस इज द सेकेंड टास्क. और एक टास्क ये है कि आप जहाँ पे भी खाना खाते हो तो आपको आज ये सारा जर्नी देखने के बाद आज फील होगा कि ना आज या इससे पहले भी आप करते होगे बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर फूड. बट मैं चाहती हूँ कि अगर आपको पॉसिबल है टू डू राइट अ नोट वेर एवर यू आर टेकिंग योर फूड कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, वॉट एवर यू लाइक. अगर आपको कोई अलग अफर्मेशन भी पसंद है, आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हो उसका भी कोई अफर्मेशन आपको पसंद है, तो डू राइट दैट नोट इन योर डाइनिंग एरिया, इन योर किचन एरिया, या जहाँ पे भी जो आपको रिमाइंडर देगा टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर फूड. ठीक है, तो वो नोट आपको स्टिक करके वो नोट या वो अफर्मेशन को भी ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए. आपको वो थैंक यू नोट वो कंटेनर आपके वाटर कंटेनर पे स्टिक करके उसका इमेज पोस्ट करना है. थर्ड, जो आपके लिए खाना कुक करता है वो पर्सन को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके उसके साथ एक अच्छा सा सेल्फी या फोटो निकाल के उसको भी आपको ग्रुप में पोस्ट करना है. उसके अलावा इफ पॉसिबल, अगर आपके यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, तो एक कोई भी जो मेडिएटर है आपके फूड के जर्नी में जो आपको फील होता है फ्रॉम द फार्मर टू द ना वेजिटेबल वेंडर या ग्रोसरी शॉप पर्सन, उनको जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनके साथ एक फोटो क्लिक कीजिए, उनको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए एंड देन पोस्ट दैट पिक्चर इन द ग्रुप. एंड डेफिनेटली पोस्ट किया आपका एक्सपीरियंस क्या था और आपने उनके एक्सप्रेशन में कुछ चेंज देखा क्या जब आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वी आर पेइंग फॉर व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम देम ना, बट आपको पता है क्या, बहुत सारी चीजें इज बियॉन्ड मनी. आप बहुत सारी चीजें उनको भले ही दे रहे हो, बट आप सोचिए कि जो जर्नी से आपका फूड आया है और जितना आप पे कर रहे हो उनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. द थिंग दे आर गिविंग यू इज बियॉन्ड मनी. ये लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जब बंद थी तो यही लोग थे जो आपको घर तक चीजें लाके दे रहे थे ताकि आप अपने घर में सेफ रहो. तो दिस इज द टाइम टू फील ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दोज पर्संस ऑल्सो. उसके अलावा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है फोटोग्राफ्स के साथ कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी जब आप ये एक्टिविटी खुद कर रहे थे और सामने वाले के एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंजेस थे इन योर कुक इन द मेडिएटर. जो भी आप जब भी उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तभी आपको खुद को कैसा फील हुआ और उनके एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए. और इससे भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चैलेंज 3 का मोटिव आपको देने के लिए यही है कि आप इसमें से एक एटीट्यूड लाइफ लॉन्ग कैरी करो कि जब भी आप को पानी या फूड मिले एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. ट्राई नॉट वेस्टिंग फूड, ट्राई नॉट वेस्टिंग वाटर और आप अपना ग्रैटिट्यूड दिल से वो चीजों के लिए एक्सप्रेस कीजिए. अंडरस्टैंडिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनको ये सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है जितनी आपको है. उसके अलावा एक्सप्रेस कीजिए ग्रैटिट्यूड कि ये कितनी बड़ी जर्नी से आप तक पहुंचा है. सो आई होप कि ये एटीट्यूड आप अपने लाइफ में कैरी करोगे एंड आई होप कि जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड टास्क किया है वैसे ही आप ये थर्ड चैलेंज भी करके एंजॉय करोगे. और चैलेंज का इम्पोर्टेंस ही यही है कि जब आप चैलेंज करते हो तभी जब वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट होगा मेरी तरफ से. सो डेफिनेटली डू दिस चैलेंज, यू विल डेफिनेटली एंजॉय. पोस्ट योर पिक्चर्स इन आवर फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप जिसका लिंक मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करने वाली हूँ. ये जो वीडियो है इसका, ये जो रिकॉर्डिंग है जूम की, इसको भी मैं आपको पोस्ट करूंगी. तो डेफिनेटली अगर आपको किसी और को भी शेयर करनी है तो आप इसको शेयर कर सकते हो. बट इम्पॉर्टेंटली आप ये चैलेंज कीजिए, उसके इमेजेस को पोस्ट कीजिए. आपकी इमेजेस में कोई फ्यूल देते हैं कि मैं बहुत सारे और चीजें इस तरीके से आप तक लाऊं. सो डू डेफिनेटली डू द चैलेंज, पोस्ट द पिक्चर्स. जो कम्युनिटी में बाकी लोग भी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं डू सी देम, यू विल एंजॉय. भले कोई दूसरा पर्सन वो टास्क कर रहा है ना, उसको देख के भी आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता है, उसको देख के आपको एक अलग खुशी महसूस होती है. सो डू डेफिनेटली लाइक अदर्स पिक्चर्स ऑल्सो और एंजॉय कीजिए ये चैलेंज को. आई होप कि आपको ये सारा कुछ पसंद आया है एंड यू आर एंजॉइंग योर टास्क. तो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई एम डॉक्टर श्वेता अमित भंडारी एंड आई एम हैप्पी शेयरिंग एंड लर्निंग ऑल दिस विथ यू. थैंक यू सो मच.
So see you tomorrow for the fourth challenge. Yes. Thank you. Thank you so much. See you tomorrow.